नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जीत की माला पहनने का समय अब आ चुका है, दुनिया की बोलती बंद होने वाली है। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, आप लोगों को थोड़ा सा गुस्सा नियंत्रण रखना है और इस वीडियो को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा देखना है, ताकि दोस्तों अगले आने वाले 24 घंटे में, यानी कि दोस्तों आपकी किस्मत चमकने वाली है। इस समय को आप नोट करके रख लीजिए किसी नोटबुक में, ताकि दोस्तों आप लोग इस समय का लाभ भरपूर उठा पाएं। याद रखिएगा कि 9:58 से आपके जीवन में नए और बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। दोस्तों बता दें कि आपके जीवन में खुशियों का शोर अब पूरे गली मोहल्ले में सुनाई देने वाला है, क्योंकि दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों के अंदर आप लोगों को इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जो कि दोस्तों सब लोग आपकी तारीफ के पुल बांधेंगे, आपकी प्रशंसा बांधेंगे, और जो लोग आपसे बात नहीं करना चाहते थे वो लोग भी दोस्तों अब आपके पीछे बात करने की होड़ लगा बैठेंगे। बस दोस्तों आपसे यही निवेदन है कि आज की जानकारी को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि हर चीज का लाभ आपको मिल सके। दोस्तों लेकिन अगले 24 घंटे में आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसके साथ दोस्तों आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आपकी राशि में जो ये बड़े योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें सर्वाधि सिद्धि योग और दोस्तों काल सर्प योग का भी निर्माण आपके लिए बन रहा है, इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देखने के लिए आप इसे शांति से देखिए और जानेंगे अगले 24 घंटे में आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी है और कौन से कार्य आपके लिए उचित रहेंगे। इसके साथ ही अगले 24 घंटे में आपको अपने साथ में ऐसे कौन से कार्य करने हैं जो आपके जीवन को नए और बड़े परिवर्तन करने के लिए आपको प्रेरित करे। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी को जो भी अपने घर बुलाना चाहते हैं वो सच्ची श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है अवश्य लिखें। देखिए दोस्तों, जो लोग अपनी किस्मत पर भरोसा करते हैं वह कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो किस्मत के साथ साथ अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं वह लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा कि मेहनत के साथ साथ आपको काम भी करना है। जी हाँ दोस्तों, इससे आप लोगों को काफी लाभ की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों बता दें, कई कार्य ऐसे होते हैं जिसमें आप लोगों को जबरदस्ती धकेला जाता है, इसलिए ऐसे कार्य करने से आपको बचने की आवश्यकता है। दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको बता दें, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा हद कर देते हैं। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, कई बार हमारे पास ऐसे कमेंट आते हैं जो ये बोलते हैं हम अपने जीवन से थक चुके हैं और अब कोई भी उम्मीद नहीं रही है, अब सिर्फ मरना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों वो ऐसा निराश हो जाते हैं कि कहते हैं कि अब हम जीना नहीं चाहते हैं। हम आपको बता दें कि आपको कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाना है जिसके कारण आपको और आपके घर वालों को तकलीफ का सामना करना पड़े। आपसे बस यही कहेंगे कि ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, इसलिए आप कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करें जो अनैतिक हो, गलत हो। और दोस्तों आपके सारे रास्ते कभी भी बंद नहीं होते, याद रखिएगा, बदनसीबी का दरवाजा जब भी खटखटाता है तो खोलने के बाद में दोस्तों मुश्किलें भले ही आए, लेकिन जल्दी ही आपके जीवन में खुशियों का माहौल आता ही आता है। इसलिए दोस्तों बता दूं कि आप लोगों को ऐसी बात बिल्कुल नहीं सोचनी है। अपनी सच्ची निष्ठा और ईश्वर के दिए गए आशीर्वाद पर आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखना है, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, अच्छे कार्य कर सकें। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात कर लेती हूँ आपके 24 घंटे की महाराशि फल के बारे में। देखिए दोस्तों, संसाधनों में काफी हद तक वृद्धि देखने को मिलने वाली है। जो भी आपको मौका मिले उसे हाथ से ना जाने दे, आपको लाभ अवश्य देगा। याद रखिएगा, धन लाभ के भी प्रबल योग आपकी राशि में बन रहे हैं। दोस्तों बता दें, जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार से जुड़े हुए लाभ मिलने वाले हैं। दोस्तों बता दें, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, सभी प्रकार की कठिनाइयां अब दूर होंगी, समस्त कार्य बनेंगे दिन दोगुनी और रात चौगुनी, आप लोगों को तरक्की मिलेगी, आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे, ऐसे शुभ योगों का निर्माण है। दोस्तों इसके साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहूंगी, जितने भी जातक है नया वाहन या मकान खरीदने का सपना देख रहे हैं, वे सपना भी अब उनका पूर्ण होने वाला है।
दोस्तों बता दें, अधिक गंभीरता से कार्य करने की कोशिश है। पति पत्नी का आपसी प्रेम बढ़ेगा। विपरीत लिंगी मित्रों से थोड़ी दूरी बनाकर रखिएगा। वैवाहिक संबंध आप लोगों के काफी ठीक रहेंगे। पारिवारिक माहौल भी काफी हद तक खुशनुमा रहेगा। किसी पुराने मित्र के मिलने से सुखद यादें ताजा होने वाली हैं। इस दौरान दोस्तों आपका साथी आपको हर काम में मदद प्रदान करेगा व आपकी हर बात को भी सुनेगा, जिससे दोस्तों आपके रिश्ते में सकारात्मक बदलाव आएंगे और आपके प्रेम जीवन में चली आ रही सभी समस्याएं आज खुद ब खुद समाप्त होती हुई नजर आएंगी। दोस्तों आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल दिल रहने वाला है। इसके साथ ही साथ अब मैं आपको बता दूं आपका व्यवसाय करियर कैसा रहेगा, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कार्य क्षेत्र में आपकी निगरानी आज अति आवश्यक रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी भी लापरवाही से महत्वपूर्ण ऑर्डर आज आपके हाथ से निकल सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी आज थोड़ा धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके ऊपर आज काम का अधिक बोझ रहने वाला है। इसलिए कार्य को थोड़ी शांतिपूर्ण तरीके से करें, कोई भी मौका आए उसे हाथ से जाने ना दें। और दोस्तों बेफिजूल के खर्चों से भी आज आपको बचना होगा। संतुलित बजट बनाकर रखने की आप लोगों को बेहद आवश्यकता रहने वाली है। दोस्तों आपको ये बता दें, यदि कोर्ट संबंधित कोई भी मामला चल रहा है तो उस मामले से संबंधित कोई शुभ समाचार आपके पक्ष में आ सकता है। दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप व्यापार वर्ग में हैं, कुछ कार्य करते हैं, तो व्यापार संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जानने की आवश्यकता है। जैसे कि दोस्तों आपको बता दें, व्यापार संबंधी हर दस्तावेजों को आपको पूर्ण रूप से सही करके रखना होगा, अन्यथा कोई कमेटी बैठ सकती है और दोस्तों आपको हानि का मुंह देखना पड़ सकता है। सब चीजें आप लोग को इस प्रकार तैयार रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके कागजात जो हैं, वो पूरी तरह से सही रहें। दोस्तों किसी भी प्रकार की त्रुटि आपके कार्य में देखने को ना मिले। कोई कार्य करें तो उसे अच्छी तरीके से करें, उसे गलत ना करें, किसी का नुकसानदायक ना हो दोस्तों। अन्यथा कोई ऐसा कार्य यदि करते हैं, यदि किसी को क्षति पहुंचती है, नुकसान होता है, तो दोस्तों आपका भी उसमें हानि हो सकती है। तो जो भी कार्य करें उसे अच्छे ढंग से करें, अच्छे मन से करें, पवित्र मन से कार्य करेंगे तो सामने वाले के साथ साथ आपका भी भला होगा, आपका भी अच्छा होगा। कभी आपको विफलताओं का मुंह नहीं देखना पड़ेगा दोस्तों, जीवन में आप सफल रहेंगे। याद रखिएगा, यदि आप इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो कुछ चिड़चिड़ेपन का सामना आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों बता दें, आपके पक्ष में जो लोग हैं उनके संग में आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। इस समय किसी मित्र का सहयोग आपकी दिक्कतों को कम करने में काफी हद तक मदद करेगा, लेकिन इस समय किसी भी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति से दूर रहें, नहीं तो दोस्तों शारीरिक रूप से आप थोड़ा सा वीक महसूस कर सकते हैं। आज आपको आग कान खोलकर काम करने की आवश्यकता है। शाम का वक्त काफी बेहतर रहेगा, इसके लिए आपको दिन भर मन लगाकर कार्य करने की आवश्यकता है। दोस्तों वैवाहिक जीवन आपके परिवार के चलते नकारात्मक रूप से प्रभावित रह सकता है, लेकिन दोस्तों आप दोनों होशियारी से चीजें संभाल सकते हैं। प्यार और परिवार की अगर मैं बात करूं, तो किसी खास से विवाद होने से आप अकेलापन और उदासीनता महसूस कर सकते हैं। दोस्तों फिक्र ना करें, जहां प्यार और चिंता होती है तो वहां रूठना मनाना चलता रहता है। रिश्तों को पुनर्जीवित करने के लिए ये समय काफी अच्छा है। दुर्घटना या चोट से बचने के लिए सावधानी से यात्रा करें। अपना शौक पूरा करने और आराम के लिए आज का दिन काफी परफेक्ट रहने वाला है। आप यौन संबंधों को लेकर अत्यधिक रोमांचित और उत्साहित रह सकते हैं। अपने प्रिय के साथ में कुछ अंतरंग तरंगों को आप शेयर कर सकते हैं। जिन्हें साथी की तलाश है दोस्तों, वे थोड़ा निराश हो सकते हैं, लेकिन सब्र रखें, क्योंकि शीघ्र ही आपके जीवन काल में प्यार के आगमन के संकेत बन रहे हैं। व्यवसाय करियर और अगर आर्थिक राशि फल के बारे में मैं आपको बताऊं, तो प्रयास करके लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये समय आपका शानदार रहने वाला है। विवाद और मुकदमेबाजी से आपकी ताकत और धन का नाश हो सकता है। आज ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे प्रतिष्ठा की हानि हो या फिर दोस्तों अकेलापन महसूस हो। अच्छे से सोचने समझने के बाद में ही आपको कोई भी कार्य करना है। चिंता के भाव को दूसरों से बात करके कम कर सकते हैं। लंबे समय से अटके हुए मुद्दों के पूरा होने से दोस्तों आप लोग काफी आनंदित रहेंगे। अपने शौक को पूरा करने में समय बिताएं, इससे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। दोस्तों सेहत की बात करूं तो ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं,
इसलिए दोस्तों स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। तो यदि आज का राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।